मुझे ऐसा लगता है जब इंसान को कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर नहीं मिलती या नहीं मिल ना मिलने का एहसास हो तो उससे इंसान के अंदर बहुत अजीबोगरीब किस्म की पुख्तगी आती है। हमारे एक और बड़ी मशहूर शख्सियत हैं यूसुफ सलाउद्दीन, उन्होंने मौसीकी के लिए बहुत काम किया है, बाद में आपको भी चांस दिया काफ़ी। तो जिया तुम्हें उनसे भी तो इश्क हुआ था? मुझे हर खूबसूरत आदमी से इश्क होता है, मुझे आपसे भी इश्क है। अच्छा, अभी गाने में मेरा ध्यान सीधा आपकी तरफ बार बार जा रहा है। इश्क से मतलब है कि जो एक इश्क नहीं, नॉट एग्जैक्टली। यूसुफ के साथ जितनी उसकी दोस्तें पाई जाती हैं, औरत अगर यूसुफ के आसपास है कोई एज अ फ्रेंड भी, क्या क्वालिटी जो हर औरत उनके आसपास होती है? बिकॉज ही रिस्पेक्ट अ वुमन अ लॉट, स्पेशली अ वुमन। वो एक तो अच्छा होस्ट है यूसुफ सलाउद्दीन जिसका नाम है, उसको टैलेंट की कदर है, उसको इंसान की कदर है, उसको खूबसूरती की कदर है। वो हर इंसान को एक ही लेवल पे देखता है। वो ये नहीं कि अगर प्राइम मिनिस्टर उसके घर आते हैं या प्रेसिडेंट उनके घर आते हैं तो यू नो उन्हीं के इलाके के जो लोग उनके घर जाके मिलते हैं तो वो उनके अंदर कोई डिफरेंस यूसुफ का यू नो होता है मेहमान नवाजी में। यूसुफ की क्वालिटी ये है कि वो हर एक को इज्जत देता है। तो क्या इवन आई रिमेम्बर हर औरत यही क्वालिटी देखना चाहती है मर्द में, हर दोस्त में, हर इंसान में। इसलिए अक्सर औरतों को इश्क हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर यूसुफ से बहुत सारी औरतों को इश्क हो जाता है। अगर इस बात को ऐसे कहा जाए कि उनमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है, सो जेन्युइन बिकॉज मैंने इतना बड़ा तनाजा इसलिए किया उनकी बात को लेकर कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी उसी तरह डील करते हैं और वो अपने बाजार की औरतों और मर्दों को भी उसी तरह ही डील करते हैं, उतने ही प्यार से, उतने ही खलूस से मिलते हैं। तो ये एक मर्द से अगर मेरी दोस्ती यूसुफ के साथ रही है और लोगों ने उसको इस तरह ले लिया तो मैं समझती हूँ ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि यूसुफ जैसे मर्द के साथ मेरा नाम जोड़ा जाए और कहा जाए कि मैं उसकी दोस्त है। मैंने बहुत सीखा, जो आज मैं खान साहब का म्यूज़िक इंजॉय कर रही हूँ या इतनी गुम हूँ और शायद बहुत सारी हरकतें कैमरे के सामने ऐसी कर गई होंगी जो कि मैं यूजुअली तो मैं भी मानता हूँ कि यूसुफ सलाउद्दीन लाहौर के लिए बहुत बड़ा खजाना है कि लोग कहते हैं जिन्होंने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूँ जिसने लाहौर नहीं देखा और यूसुफ की हवेली को नहीं देखा और यूसुफ को नहीं देखा, यूसुफ की हाँ यूसुफ की मेहमानदारी से जो नहीं गुजरे वो मैं सवाल उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में नहीं देखा और सीखने को मिलता है वहाँ जाके इतना। और हमने तो इतनी पार्टी की है, हमारे एज ग्रुप ने, इबनी ने, मैंने, जी क्यू ने और हमारी सारी मॉडल्स ने, हमारे इतने फैशन शोज वहाँ हुआ करते थे। ऐसे सिंगर्स को हम लोग, नए आने वाले सिंगर्स को, अली ज़फ़र वहाँ से लॉन्च हुआ और बहुत सारे सिंगर्स, खान साहब को हमने इतनी दफ़ा वहाँ सुना, राहत साहब को हमने इतनी दफ़ा सुना। तो हम लोगों की तो सिंगिंग और डांस और म्यूज़िक आर्टिस्ट के अंदर जिसे कहते हैं ना एक एनर्जी का काम देती है। और मैं आपकी भी इतनी शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली ए प्लस की कि इतने अच्छे नए आर्टिस्ट अगर आप लोग इस तरह इंट्रोड्यूस कराएंगे और हमें यहाँ बैठा के खाने भी खिलाएंगे और सवाल जवाब भी करेंगे और गाने भी। आई एम टेलिंग यू आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस। मकसद तो यही है ना कि अगर हम आपकी स्कैंडल या जो भी बातें जुड़ी हुई हैं जो लोग समझते हैं नेगेटिव है, असल में उनके पीछे भी एक पॉजिटिविटी है। मैं समझती हूँ खाब भाई, नेगेटिविटी कुछ है ही नहीं, हर चीज़ ही पॉजिटिविटी है। लोग उसको इस चीज़ से देखते हैं तो, लेकिन अक्सर कुछ मीडिया वालों ने भी उसको फैलाया होता है अजीब तरीके से और ये नहीं सोचते कि जो फनकार लोग हैं वो भी एक इंसान, आम इंसान की तरह होते हैं। आम इंसान, और आम इंसान तो क्या, इंसान सभी जैसे होते हैं, हम जरा सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आम इंसान की तरफ आते हैं। ठीक है, वो आम इंसान का जो दिल है वो किस मर्द पे जाके इतना धड़का के दिल कर रहा है कि इसी से शादी करनी है? अभी मुझे जब इश्क होता है ना, मैंने तो ये देखा कि वो हर मर्द तुमसे शादी करना चाह रहा था और तुम भाग जाती हो। हाँ भाई ये तो जरा ज्यादा पर्सनल हो गई है। नहीं ये मैंने सुना कि जब वो सीरियस होता है शादी की तुम भाग जाती हो। अभी वो सीरियस शर्तों के साथ होते हैं यूजुअली मर्द, जो मेरी शादी आज तक नहीं हुई, मैंने कहा कि मैं क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं शर्त। अच्छा, और कॉम्प्रोमाइज एक ही तरह नहीं, शर्त क्या होती है कि तुम ये सब कुछ छोड़ के बुर्का पहन लो? नहीं बुर्का नहीं पहन लो, लेकिन जिस काम से, जिस वजह से उसको मेरे से प्यार होता है एंड ऑफ द डे उसी काम की और वही वजह बन जाती है शर्तों और शरारतों मतलब पे कि ये नहीं करना। नहीं देते उस काम को भी नहीं, वजह से तुम उनको मिली हो? रिस्पेक्ट नहीं देते हैं बहुत, लेकिन उनको ये इनसिक्योरिटी हो जाती है कि क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है एज अ ह्यूमन एज कि मैं दिन ब दिन पावरफुल हो रही हूँ। तुम्हें लगता नहीं कि तुमने कई दफ़ा बहुत गलत किस्म के लोगों से मोहब्बत की? गलत और सही कौन डिसाइड करता है? और जिससे मोहब्बत होती है जो शायद आपके ज़्यादा सिंसियर होते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई या मेरे जैसे दोस्त, तुमने कई दफ़ा ऐसी चीज़ों से गुजरी और मैं तो मना भी किया। हाँ मना किया, लेकिन उस एक्सपीरियंस अभी तो तुम्हारे साथ एक मोहब्बत ही के फेज में थी।
अच्छा आपका दिल टूटा था खाबे, पता क्या, हम जब मेरी शादी नहीं होती थी ना किसी भी मोहब्बत के नाकामी के अंजाम के बाद, तो मैं खाबे से कहती खाबे हम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, आपने भी शादी नहीं करनी, मैंने भी नहीं करनी, हम एक दूसरे को बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, और एंड ऑफ द डे हमारी शादी बहुत अच्छी चलेगी, जो कि नहीं हुई, चलो खैर कोई बात नहीं। ये है किस्सा खाबे, शादी मोहब्बत का इख्तिताम जरूरी नहीं है कि शादी और बच्चे ही हों। बाबा इतनी खूबसूरत औरत, लंबी चौड़ी और मशहूर और अच्छा ज़हन रखने वाली, तो हम क्यों नहीं चाहें कि उसकी नस्ल आगे बढ़े और जाए। खाबे आपसे मेरी दुआ किया करें और हमेशा कोशिश ये किया करें शादी हो जाए कि मेरे, मैं एक अच्छी इंसान बनूं और मैं जिस बच्चे या जिस जिया अच्छी इंसान है, जिया ये मान लें कि जिया एक बहुत अच्छी इंसान है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी माँ भी बनेगी, बहुत अच्छी बीवी भी बनेगी, और जिया की जिंदगी में एक और भी बहुत अच्छा इंसान आया था एक फॉरनर की शक्ल में, और वो मर रहा था जिया से शादी करने में, पता नहीं फिर क्या हुआ शादी नहीं। यार मेरी अम्मी की डेथ हो गई उन दिनों में, और मैं मुल्क से बाहर, मैं अपना काम और अपने लोग नहीं छोड़ के जाना चाहती थी, और जिया की वालदा तो इतनी परेशान रहती थी, मुझसे कहती थी खुदा के लिए इसको समझाओ समझाओ समझाओ, अम्मी की वजह से बाहर निकालो, अम्मी की वजह से मैंने वो मंगनी की थी, वो शादी की थी, बस उनकी डेथ हो गई बीच में और फिर मुझे मौका मिल गया आज़ादी का। मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी, मैं अपना पाकिस्तान छोड़ के कैसे चली जाती मुझे बताएं, मैं अगर टर्की चली जाती हमेशा के लिए तो आज ये इंटरव्यू हम कर रहे होते बैठ के। अच्छा पहले लोग कहते थे जी जिया को तो एक्टिंग नहीं आती, एक लक्कड़ है पूरा, तो क्या ये बार बार इश्क करने ने तुम्हें एक्टिंग करना सिखाया? नहीं, आए क्यों, मैं अपनी उम्र से क्या औरत के अंदर ड्रामा इश्क से आता है? नहीं, इश्क से डेफिनेटली आप अच्छे बुरे वक्तों से गुजरते हो और बहुत डीपली फील करते हो चीज़ों को, लेकिन मेरा अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, उनकी मशवरों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ काम करने से, एक्सप्रेशन वक्त के साथ, एज के साथ, और वो इतना ज़्यादा खुला कि जिया ने फिर एक स्टेज ड्रामा भी कर लिया। यस तो कितना मुश्किल काम है, मतलब ये कि पब्लिक में खड़े होकर पूरा स्टेज प्ले कर लिया। हाँ भाई मैं मॉडल हूँ, मुल्तान में मैं मॉडल हूँ खा भाई, मैं बचपन से मतलब 18 साल की उम्र से मुझे लाइव रैंप पे चलने की और हिलने टूटने की, रैंप पे चलना एक और चीज है, लाइव एक्टिंग करना एक बड़ा मुश्किल काम है। आई नो थिएटर में समझती हूँ एक आर्टिस्ट के लिए बुनियादी चीज़ है, और मुझे अगर बीच में आके कहीं चांस मिला तो मैं वो चांस क्यों छोड़ती। अच्छा रीमा की रेंज तुम्हारी एक ही है, तुम समझती हो? आई डोंट नो, आई डोंट, आई मैंने रीमा की पहली फिल्म जब आई थी आई वाज इन 7th क्लास। अच्छा ठीक है, बताएं रीमा की एज कितनी होगी? अब व्हाई शुड आई टेल यू? नहीं नहीं, आप रीमा को लड़की समझती हैं और समझती हैं? अच्छा जिया तो मुझे ये बताओ कि जिंदगी में तुमने जो इतने बड़े बड़े बोल्ड स्टेप उठाए, ये भी किसी इश्क की कैफियत का नतीजा था? कौन से ख्वाब भी मैंने बोल्ड स्टेप, मतलब एक टाइम आया तुमने टेंट करवा लिया ये क्या था, क्या किसी की मोहब्बत में हार गई? मैंने 98 नहीं, किसी की बनी नहीं तो उसने तुम्हें टेंट करवा दी? 97 में मेरी फिल्म आई थी, 98 में मैं बैंकॉक जब नखरा गोरी लगी थी तो जिया जेन आई थी फिल्म, एंजेलिना जूली की, डेमी मूर की। अच्छा उसमें उसने टेंड करवाई थी। और एक मेरे साथ और भी मसला शुरू से था कि पहली फिल्म से अब तक लोगों को सिर्फ मेरे बाल नजर आते थे, कि भाई उसके तो बाल क्या, वो उसकी वही खूबसूरती, वही उसकी खूबसूरती, गुच्छेदार बाल, बड़े-बड़े, तो मुझे बार्बी डॉल लगती थी ना। हाँ मुझे वो तो अभी भी लग रही है, लेकिन हाँ भाई मुझे एक दिमाग में चीज़ बैठ गई, एक तो वो एक्सपीरियंस मुझे करना था, बिकॉज आई बिलीव कि जिंदगी एक दफ़ा मिलती है, एवरीबडी बिलीव। रीमा की रेंज तुम्हारी एक ही है, तुम समझती हो? आई डोंट नो, आई डोंट, आई मैंने रीमा की पहली फिल्म जब आई थी आई वाज इन 7th क्लास। अच्छा ठीक है, बताएं रीमा की एज कितनी होगी? अब व्हाई शुड आई टेल यू? नहीं नहीं, आप रीमा को लड़की समझती हैं औरत समझती हैं? मैं हर लड़की को लड़की और औरत समझती हूँ, कि मेरे अंदर लड़की और औरत का कोई, मेरा सवाल वो नहीं जाके रुकता है वहाँ पर, कि लव में गुम में उन्होंने इस एज में आकर एक कॉलेज गोइंग लड़की का किरदार अदा किया, क्या वो सही था? Do you think it was suit कर रहा था? मैं समझती हूँ डायरेक्टर उनको, मैं एज का डिस्कस नहीं करूंगी खाब भाई ऑनेस्टली, क्योंकि अगर नहीं, मैं बात करूँ रोल सूट करने की, या एज अ डायरेक्टर वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। डायरेक्टर होना बहुत जिम्मेदारी की बात है, और उनमें इतनी ताकत है रीमा में और इतनी जान है, और वो इतनी 100% अपनी देती हैं पूरी टीम को, जैसे मैं अभी अपने रोल का सारा क्रेडिट उनको देती हूँ कि उन्होंने मुझे कास्ट किया और सारा फैसिलिटेट किया, तो मैं वो रोल अच्छा निभा सकती। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ रीमा ने तमाम जो हीरोइन आई उनमें रीमा ने ग्रूम करके अपने आप को एक लेवल आगे लेके गई, बिल्कुल, और अब उस पर ये जिम्मेदारी एज एन डायरेक्टर वो नए लोगों को चांस दे, नहीं नए लोगों को भी चांस दे लेकिन रोल के साथ इंसाफ करे। हाँ जो रोल है उसके साथ वो इंसाफ करे,
और जैसे मैंने बताया कि मेरी पहली फिल्म का क्रेडिट मुझे नहीं जाता, वो मेरी टीम को इसलिए जाता है कि उनका सिलेक्शन थी, मैं उस दौर में जो मेरे बाल थे, जो मेरी पतलापन था, जो मेरा रंगत थी, वो एग्जैक्टली एक मॉरिशियन लड़की की लुक देती थी। अच्छा, तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी उस फिल्म में। बिल्कुल, मैं जिया की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि अभी जो जैसे कि रीमा की फिल्म थी उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था, और जिया ने अपने आप को एक आर्टिस्ट होने का एहसास हमें दिलाया। हमने वो पूरी फिल्म तो खैर एक तरफ रख दी, लेकिन जो जिया का कैरेक्टर था उसको हमने बहुत इन्जॉय किया, और मैंने कहा भी जिया अब वाकई एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है, और फनकार के अंदर जो एक हसासियत होनी चाहिए, आई थिंक जिया तुम्हें एक कंप्लीट एक्ट्रेस बन गई, ये मेरा कहना है सर, और मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और मैं चाहूँगा कि जिया जो है अपने आप को अब इस टैलेंट को लेकर, हम बड़े अच्छे अच्छे आजकल जिया के प्लेस देख रहे हैं, और एक टाइम था जब जिया को कहती थी एक्टिंग नहीं कर पाएगी, और आज देखते हैं भाई आप मुझे मॉडलिंग से निकलने दिया करते तो मैं एक्टिंग करती ना, इतना ये काम करवाते हैं खाब भाई अपनी मॉडल से कि मतलब उसको दिन रात सिर्फ क्लिक क्लिक उसके दिमाग में हो रहा होता है। रियल लाइफ में जिया की एक्टिंग वैसे ही बेकार थी, क्योंकि इसको तो लोगों की समझ नहीं आती थी, गलत लोगों से इश्क कर लेती थी। बहरहाल उस इश्क ने, उस पूरा ना होने ने इसको बहुत कुछ दिया, एक एक्टिंग करना कम से कम सिखा दी। तो इसी नोट पे हम जिया से इजाज़त चाहेंगे, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।